गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हुआ है आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर उसी के अकॉर्डिंग मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है दैट इज फोकस ऑन फिजिक्स अराउंड मी। फिजिक्स के वो प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डिफरेंट होम अप्लायंसेज या सराउंडिंग में जो भी एप्लीकेशंस आर अवेलेबल उनको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो सीरीज के अंदर, राइट। तो यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक फोकस किया है वो माइक्रोफोन किया है, और इससे पहले की जो तीन वीडियोस हैं उनमें मैं आपके साथ में प्लानिंग इनकी शेयर कर चुका हूँ, और लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है फिजिक्स के वो जो प्रिंसिपल जिनका माइक्रोफोन की जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा आपके साथ में टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन एंड देयर वर्किंग। बट बिफोर दैट यहां मेरे पास में कुछ एग्जांपल हैं माइक्रोफोन के जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। नंबर वन, ये माइक्रोफोन आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस टाइप के जो माइक्रोफोन है उनको यूज करते हैं, राइट। तो ये एक कैटेगरी है माइक्रोफोन की, राइट। इसको आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। और ये जो माइक्रोफोन था, ये जो लिया था मैंने काफी पहले, तो वो फिलिप्स का था, और इसकी जो आउटपुट है वो उतनी अच्छी नहीं है, राइट। मैं दूसरी एक हेडफोन है उसको यूज करता हूँ, वो तभी यूज करता हूँ जब मैं सिस्टम पर हूँ। यहाँ मैं कैमकॉर्डर को यूज कर रहा हूँ। एक माइक्रोफोन आपने इस टाइप का ऑब्जर्व किया होगा, राइट। और इसके साथ में ये आपका 3.5 mm का पिन, राइट। तो इस टाइप के ये माइक्रोफोन, ये सेकंड टाइप का हुआ। और एक अभी मेरे पास में ये काफी पुराना माइक्रोफोन पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैं आप दिखा दूं। तो ये जो है माइक्रोफोन के लिए यूज करते हैं, राइट। तो हेडफोन के साथ में जो माइक्रोफोन का पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी ये माइक्रोफोन की है। अगर ये यहाँ सेट हो जाए तो मैं आप इसको दिखा पाऊं, ये ऑटोमेटिक जूम है एक्चुअली, राइट। नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ दिस टाइप आल्सो, राइट। तो इसके अलावा भी दूसरे माइक्रोफोन हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जो है अपनी ये हेडफोन के साथ में कनेक्ट होते हैं, मोबाइल फोन के साथ में जो हेडफोन होते हैं उनके साथ में भी एक माइक होता है, तो वो भी एक माइक्रोफोन है। बट बिफोर दैट यहां मैं जो आपको एक्सप्लेन करूं कि टाइप्स ऑफ द माइक्रोफोन, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन आपको दिखाई पड़ रहा है उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, क्लिक करिए। उसको क्लिक करने से ये होगा कि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं देन उसका ऐसा कोई फायदा नहीं है, राइट। तब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन एंड वर्किंग। और इससे पहले की जो थ्री वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। और मेरा टारगेट ये है कि इन वीडियोस के थ्रू स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो, दे गेट सम आइडिया, राइट, कि हाउ टू डिजाइन ए डिवाइस, ए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको कैसे डिजाइन करना है, या नए सिरे से नया कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, या कोई आइटम डिजाइन करना है, कोई भी आइटम हो सकता है। तो वो बेस्ड है एक्चुअली जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ फिजिक्स।
यू पीपल कैन नॉट इग्नोर एनी टाइम. आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप मिडिल स्कूल में हैं, चाहे इंटरमीडिएट हैं, चाहे आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और कोई किसी भी स्टेज में हैं. आप मैं अगर जिस स्टेज में हूं तो मैं भी आई कैन नॉट इग्नोर दो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स बिकॉज इन दैट देयर आर मेनी आइडियाज हिडन. तो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको यू कैन गेट एन आइडिया. और इन वीडियोस का पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स किसी भी डिस्कवरी को ठीक है एक शेप दे सकते हैं. तो यहां मैं स्टार्ट करता हूं टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन एंड देयर वर्किंग. राइट, नंबर वन जो माइक्रोफोन है दैट इज द डायनामिक माइक्रोफोन. इन दिस माइक्रोफोन what basically concept they have used here, this vertical line, if you can see properly this one, this is the diaphragm and a coil basically is associated with it. You are observing watching this one and this is the coil which is associated with the diaphragm, right? And this one E shape is the permanent magnet. This क्वायर एक्चुअली मूव आगे और पीछे की साइड में राइट बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है जैसे ही डायफ्राम वाइब्रेट करता है. राइट, जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी आपको बोल चुका हूं तो उस टाइप से ये जो क्वायर है ये वैरी करेगी और इसके वैरी करने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एसोसिएटेड विद द क्वायर वो चेंज होगा एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एक करंट विल फ्लो इन दैट सर्किट एंड दैट करंट इज कोरेस्पोंड टू द साउंड वेव्स. बाय दिस वन कैन ट्रांसफॉर्म द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. राइट, वन आइडिया फ्रॉम द फैराडे लॉ, यू कैन ट्रांसफॉर्म द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय दिस वे एंड दिस आइडिया इज इंपॉर्टेंट. Right, so in dynamic microphone we use this kind of pattern or on the other hand you can say we use Faraday law. Now the second type of microphone is condenser microphone. Condenser microphone जैसे कि नाम इसका indicate करता है कि capacitor use किया होगा तो obvious है कि capacitor use किया हुआ है. लेकिन कैपेसिटर यू नो कि अगर उसको हम लोगों को यूज करना है तो उसको एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा. तो यहां ये कंडेंसर माइक्रोफोन के जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसकी जो डिजाइनिंग की है तो सबसे पहले थिन लेयर ऑफ द डायफ्राम की है और वो डायफ्राम जो है इज कनेक्टेड विद द आउटपुट डायरेक्टली. राइट, ये थिक है, ये जो सेकंड लेयर है ऑफ द कैपेसिटर ये थिक है और ये बैटरी के साथ कनेक्ट है. राइट, जहां से इसको वोल्टेज मिला है. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल और जिसको हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि जैसे ही ये डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो इनके बीच का जो स्पेस है दैट विल वेरी. सो आप भी यहां ये शॉर्ट में फार्मूला भी लिखा था कि C is equal to epsilon naught A upon S, where S is the distance between the two plates. अगर S vary करेगा between the plates, तो obvious है capacitance will change. अगर capacitance change होगा, तो obvious है कि वहाँ Q और V का जो ratio है, वो भी change होगा. Right? So here in this second formula. अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिपीट कर दूं तो आप इसको समझ पाएंगे अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है कि Q is equal to epsilon naught A V upon S. For a particular capacitor, A is constant, voltage provided to that is also constant. Here, right now, for that microphone, only S is varying. तो S अगर छोटा होगा, obviously charge बड़ा होगा, तो यहां अगर charge change होगा, तो ऑब्वियस है कि सी चेंज होगा. अगर राइट right, तो आप मेरा ये पॉइंट अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ब्रदर फिर क्या होगा कि ये सारा वीडियो लेंथी हो जाएगी.
तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले वीडियो में जहां प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को डिफाइन किया था, तो उस पॉइंट को मैं वहां उसके लिए छोड़ देता हूं और ये इतना ही एक्सप्लेन करता हूं कि जो कंडेंसर माइक्रोफोन है उस कंडेंसर माइक्रोफोन के अंदर कैपेसिटर यूज करते हैं, राइट? तो कैपेसिटर को यूज किया हुआ है और आइडिया आप ले ही चुके हैं कि यहां इसका डिस्टेंस वैली होगा तो एक करंट फ्लो करेगा और वो करंट जो होगा कोरेस्पोंड टू दी साउंड सिग्नल होगा, राइट? सो यहां दो टाइप के आपने कंडेंसर ऑब्जर्व किए, पहला जो फैराडे लॉ बेस है और दूसरा जो कैपेसिटर बेस है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो दो सिंपल प्रिंसिपल है, इन दो सिंपल प्रिंसिपल के बेसिस पर आपके पास में जो माइक्रोफोन्स हैं वो डिजाइन किए हुए हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल छोटे हैं लेकिन आउटपुट क्या है, क्रिएटिव है, राइट? आपने एक डिवाइस को, एक एप्लीकेशन को डिजाइन किया है ऑन दो सिंपल प्रिंसिपल जिनको आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व किया था। तो यहां पे मैं एक मॉडिफिकेशन आपको और दे दूं कि जो डायनेमिक माइक्रोफोन के अंदर कंसेप्ट यूज किया है सेम इज यूज्ड इन रिबन माइक्रोफोन। एक थर्ड कैटेगरी है माइक्रोफोन की जिसको बोलते हैं रिबन माइक्रोफोन, और इसके डिजाइनिंग कैसे की है कि आपका जो ये मैग्नेटिक पोल्स है उसके बीच एक रिबन को सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंडेड रिबन। और ये रिबन किस चीज का है, ये रिबन है एक बहुत ही थिन फॉइल का, एल्युमिनियम फॉइल जैसा होता है, उसके कोरूगेटेड स्ट्रिप है यहां, राइट? एक नालीदार नुमा जो है वो उस तरीके से आप यहां इसको देख सकते हैं, और ये इसके दोनों एंड जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट किए हुए हैं। अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी ना यूज करूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई हम जो आउटपुट लेते हैं इस माइक्रोफोन की वो इन दो पॉइंट्स के थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि सिग्नल जो है वो आउटपुट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके उसको एम्पलीफाई करते हैं, राइट? तो रिबन जो माइक्रोफोन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोरूगेटेड स्ट्रिप मेटल को यूज करते हैं जो कि एल्युमिनियम का होता है, और उसके थ्रू ही हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। एंड द आइडिया इज अगेन सेम, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां क्वायर मूव करती है, यहां ये रिबन मूव करता है, लेकिन पॉइंट ये है कि यहां एयर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। सो वेरिएशन इनटू द एयर वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स, वेरिएशन ये ऑफ इन द वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स रेदर देन प्रेशर। सो पहले जो डायनेमिक माइक्रोफोन है उसमें क्या था कि डायफ्राम के ऊपर आपका प्रेशर पड़ता है, लेकिन माइक्रोफोन जो रिबन माइक्रोफोन है यहां वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली हैंडल करती है आउटपुट को। तो कितना सेंसिटिव हो सकता है यू कैन अंडरस्टैंड। और जब ये स्टार्टिंग हुआ था रेडियो का टाइम, तो उस टाइम पे जो है ये रिबन माइक्रोफोन यूज करते थे, राइट? अब ये कंडेंसर माइक्रोफोन मैं बोल चुका हूं आपको, और इसकी जो एक्सटेंशन है दैट इज इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफोन। ये फोर्थ टाइप का माइक्रोफोन है, इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफोन इज द एक्सटेंशन ऑफ आपका जो कंडेंसर माइक्रोफोन है। इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफोन और जो नॉर्मल कंडेंसर माइक्रोफोन है उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि कंडेंसर जो माइक्रोफोन है उसमें आपको रिक्वायर्ड होता है एक एक्सटर्नल सोर्स, एक बैटरी। यहां इलेक्ट्रेट जो मटेरियल है उसको बेसिकली यूज किया है टू डिजाइन द डायफ्राम। ये जो इलेक्ट्रेट मटेरियल है ये ऑलरेडी चार्ज है, राइट? सो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो डायफ्राम है, दैट इज मेड बाय परमानेंट चार्ज इलेक्ट्रेट मटेरियल। जैसे मैग्नेट होता है ना, परमानेंट मैग्नेट, वैसे ही वर्ड आया है इलेक्ट्रेट, राइट? तो ये है परमानेंट चार्ज इलेक्ट्रेट मटेरियल, इसको
एक साइड में ऐसे इसकी आउटपुट ली और दूसरा ये आपकी सेकंड फेज है, राइट। तो ये दूसरी प्लेट है, जैसे यहां कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट है, ये वो है, लेकिन इनके बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, एयर कैविटी है। तो यहां जो जैसे ही प्रेशर आपका पड़ेगा वैसे ही फिर उसी तरीके से स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगी, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, यहां आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ी थी कंडेंसर माइक्रोफोन के अंदर, यहां यू डोंट नीड देम, कोई भी एक्सटर्नल जो पावर सप्लाई है इनटू द माइक्रोफोन, दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑलरेडी दैट मेम्ब्रेन इज चार्ज, राइट। दिस वाज द फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रोफोन। नाउ द फिफ्थ नंबर माइक्रोफोन इज द क्रिस्टल माइक्रोफोन। क्रिस्टल माइक्रोफोन इज बेस्ड ऑन द पीजोइलेक्ट्रिसिटी। दिस स्ट्रिप व्हिच यू आर वाचिंग हियर, दिस वन लुकिंग दिस वन, दिस इज फिक्स्ड इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, राइट। दिस थिन स्ट्रिप इज मेड ऑफ बाय पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। You know that there are some piezoelectric material, when they compress or deform, they produce charge on the surface, right? So here, the type of the material which we use generally, barium titanate and lead zirconate. These are some basic example of the piezoelectric material, by which this thin strip is made, right? Now, what we do, we just connect a diaphragm with this thin strip, or again when the thrust of air or pressure from the sound waves lies on the diaphragm, it will vibrate, it will move in inward, outward or inward direction, and as a result ye jo strip hai piezoelectric material ki ye डिफॉर्म होगी, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा कि चार्ज डेवलप होगा ऑन द सरफेस। तो एक साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी साइड में ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये चार्ज की जो क्वांटिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। हाउ मच डिफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग टू दैट डायफ्राम, ऑब्वियसली द चार्ज क्वांटिटी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू will be correspond to that, right? तो यहां पांच टाइप के आपके माइक्रोफोन है, लेकिन इन पांच माइक्रोफोन के अंदर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सेम प्रिंसिपल है, एक्सेप्ट टू दिस वन क्रिस्टल जो माइक्रोफोन है। तो यहां इस वीडियो के थ्रू एक्चुअली मेरा पर्पज ये है कि आप एक डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाइड जो डिजाइन होगा उसका जो ओनर होगा वो आप होंगे, राइट। तो बाय दिस वे यू कैन पेटेंट द डिवाइसेस, राइट, क्योंकि यू नो द बेसिक प्रिंसिपल, और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर मैं क्या चेंज करूं। तो जैसे ही उस डिवाइस के अंदर आप चेंज करेंगे तो उसका जो मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड वर्जन होगा उसका जो ओनर होंगे वो आप होंगे, और उसको आप कॉपीराइट भी ले सकते हैं। उसका कॉपीराइट जनरली हम लोग जो है टेक्स्ट मटेरियल का, और जो पेटेंट है वो कोई डिवाइस की फॉर्म में, अभी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आया है या नहीं इसका मैं बोल नहीं सकता, बट डिवाइस की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं, राइट। तो ये पांच टाइप के आपके माइक्रोफोन है जो मार्केट में अवेलेबल है, और आप उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो इनका पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन जो है, अभी जैसे मैं कैमकॉर्डर यूज करता हूं तो उसका फ्रंट माइक है, तो ये फ्रंट माइक अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं, राइट, इस डायरेक्शन में है तो क्या साउंड आपको उतनी आई है, अगर इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को यूज करता हूं तो क्या साउंड की क्वालिटी अभी भी उतनी ही है जितनी कि मैं आपके साथ में पहले इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा जब बोल रहा था तो उतनी है। अगर डायरेक्शनलिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज करने से आउटपुट चेंज होती है, दैट मींस माइक्रोफोन डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, राइट। कुछ माइक्रोफोन जो है वो
ओवरऑल डायरेक्शंस को सिलेक्ट करते हैं, कुछ माइक्रोफोन केवल फ्रंट डायरेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, कुछ माइक्रोफोन आपकी फ्रंट और बैक जो है उसको यूज करते हैं, तो इस तरीके से उनका जो है डायरेक्शनलिटी डिफाइन की हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी डायरेक्शनलिटी को आपके साथ में डिफाइन करूंगा। और ये जो माइक्रोफोन है जिनको आप देखते हैं और मार्केट से ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, यू विल गेट एन आइडिया दैट विच माइक्रोफोन इज सुटेबल फॉर योर वर्क। सो इन द नेक्स्ट कमिंग टू वीडियोस आई विल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शनलिटी एंड प्रॉपर यूज फॉर योर पर्पस। आई होप कि आपको आइडिया मिला होगा। और इन वीडियोस का मेरा जो टारगेट है वो यही है कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है, from that you catch an idea and create a new device, right? So I hope ki jo effort hai they will be useful for you. Aur ab meri ek request aapse ki agar aap is video ko first time observe kar rahe hain ya first time watch kar rahe hain to aur aapne YouTube channel ko subscribe nahi kiya hai to aapse request hai ki aap please ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक करिए। ये जरूरी है, राइट? ये इंफॉर्मेशन या इससे नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूं और ये आपके लिए यूजफुल हो तो आप से रिक्वेस्ट, जैसे कि मैं बोल चुका हूं, वो करना जरूरी है। आइडिया अगर आपको मिला है और लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है for the science students, for the physics student, then you can share this video with other. आपके जो भी friend हैं, classmate हैं, उनके साथ में आप इस video को share कर सकते हैं। और इन्हीं types की जो video हैं और जो material है, जो content है, मैं share करता हूँ अपनी website www.apnephysics.com, जहाँ different lecture हैं, different courses के। और अगर आपका कोई point है तो आप भी suggest कर सकते हैं एक particular टॉपिक, जहां उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जहां प्रॉब्लम फेस करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर टाइम। एंड रिमेंबर, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन, राइट? सो थैंक यू।